बॉलीवुड में सनी लियोनी के आने के बाद जो बोल्ड फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। साल दर साल इन बोल्ड फिल्मों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। फिल्म इश्क जुनून का ट्रेलर भी इस तड़के से अलग नहीं था, और कहें तो इस फिल्म के ट्रेलर में तो ये तड़का कुछ ज्यादा ही लगाया गया था। फिल्म इश्क जुनून में तीन लोगों के शारीरिक संबंधों को बेहद ही ग्लैमरस अंदाज में दिखाया जा रहा है। इसे अंग्रेजी में थ्रीसम सेक्स भी कहते हैं। आपने अगर फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि उसमें हीरो हीरोइन अपनी सारी हदें तोड़ देते हैं। लेकिन मेकर्स ने अब जो फिल्म का नया गाना कभी यूं भी रिलीज किया है उसे देखकर आप कह उठेंगे कि ट्रेलर कहीं गुना ज्यादा संस्कारी था। इस गाने से बोल्डनेस की नई परिभाषा लिखी गई है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस गाने में मात्र अश्लीलता ही परोसी गई है। इश्क जुनून के तीनों कलाकार राजवीर सिंह, दिव्या सिंह और अक्षय रंगशाही इसमें पहले से भी ज्यादा बोल्ड अंदाज में नजर आ रहे हैं। साक्षी तंवर और राम कपूर टीवी दुनिया की सबसे पॉपुलर रोमांटिक जोड़ी है। दर्शकों को टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं मैं दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। एकता कपूर के सुपरहिट शो बड़े अच्छे लगते हैं मैं दोनों को काफी पसंद किया गया था, और उन्हें फिर मिलाने का काम भी एकता कपूर ही कर रही हैं। एकता जी टीवी के लिए इस शो के निर्माण की तैयारी कर रही हैं। पॉपुलर रोमांटिक कपल राम और प्रिया यानी राम कपूर और साक्षी तंवर एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। इस न्यूज के साथ ही दोनों का 4 साल पुराना वीडियो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसमें दोनों ने जमकर किसिंग और इंटीमेट सीन्स दिए थे। हम बात कर रहे हैं फेमस टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं की, जिसमें दोनों ने लीड रोल निभाया था। दोनों के बीच एक लव मेकिंग सीक्वेंस दिखाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि 30 मिनट के इस शो में 17 मिनट का लव मेकिंग सीन दिखाया गया था, जिस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी। यहाँ तक कि लोगों को अपना टीवी बंद भी करना पड़ा था, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन के हिसाब से ये सीन्स काफी बोल्ड थे। शाहरुख खान और आलिया भट्ट कॉफी विद करण सीजन 5 के पहले एपिसोड में मेहमान बनने जा रहे हैं। कॉफी विद करण के सीजन 5 को लेकर लोग अभी से उत्साहित हैं, और इसी शो में शाहरुख ने रणवीर सिंह के अंडरवेयर के बारे में ऐसी मजाकिया टिप्पणी की है जिसे सुनकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। करण जौहर ने शाहरुख खान से रैपिड फायर राउंड में सवाल पूछा कि अगर आप किसी सुबह रणवीर सिंह बनकर उठते हैं तो क्या होगा। शाहरुख ने इस पर जो जवाब दिया उस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। शाहरुख ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो इस बात पर हैरान होंगे कि पैडेड अंडरवेयर कहां से आ गई। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉडी एक्सपोज करने वाली ड्रेसेस में फोटोशूट कराने का चलन यूं तो काफी पुराना है, लेकिन आजकल की एक्ट्रेसेस इसमें भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। फिल्मों में खुद को ज्यादा से ज्यादा हॉट और ग्लैमरस दिखाने और सुर्खियों में लाने के लिए कोई एक्ट्रेस बेडरूम सीन देती दिखाई देती है या फिर सेमी न्यूड सीन। हॉट देखने की इस रेस में नाइट ड्रेस में फोटोशूट कराना भी कुछ एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी बात नहीं है। आइए आज नजर डालते हैं बॉलीवुड हसीनाओं की कुछ ऐसे ही फोटोज पर। अनुष्का शर्मा, मलाइका अरोड़ा खान, बिपाशा बसु, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, ईशा गुप्ता। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय। एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने अपना बर्थडे काफी ही हॉट अंदाज में मनाया है। हाल ही में उनका एक हॉट वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपनी हॉटनेस से पानी में आग लगा रही हैं। इलियाना डिक्रूज ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें वो बिकिनी पहनकर पूल में डांस स्टेप कर रही हैं। इलियाना इसमें बेहद ही हॉट दिखाई दे रही हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।